आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और चार चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जैपनीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी, हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। यह कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल लिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। यह कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए, सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है वो, भगत सिंह का चेला है। तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया उस टाइम इज कम।